भाई मेरे पास दो दीदी के पैर के पास दे दो बैग। बस बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए किसी की भी मुझे। दीदी चुनचुन गिरेगी देखना जरा इधर मैच पे। गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। चलो भाई बेटा घूमने जा रहे हैं घूमने। तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिल रही है जो रो रहे हो। कौन कूदा के ऊपर नीचे छोटी ऊपर सीट के नीचे हो। नहीं नहीं अरे उधर सब एक से एक है मतलब नहले पे दे ले ऐसे। ये आ गई ये रही सुन जी सीट के नीचे से निकल आई। हाँ ये पकड़ो। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है हम लोग सुबह से एकदम अर्ली मॉर्निंग से तैयार होकर बैठे हैं बिकॉज आज है हमारा ट्रैवल डे और जो कि आप गंदी गंदी आवाजों के साथ चेरी की सुन सकते हो। जैसे ही जाना होता है तो चेरी को पता ही नहीं क्या हो जाता है। इतनी गंदी गंदी आवाजें निकाल रही है ना इतना रो रही है। तो मैं सारी फाइनल चेकिंग कर रही हूँ बिकॉज अविनाश और दीदी गए हैं सामान रखने के लिए। तो मैं गैस वगैरह सब चेक कर रही हूँ कि सब कुछ घर में ठीक ठाक हो। वो देखो वो आपस में वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोको तैयार है चेरी तैयार है यहाँ पे बैग्स तैयार हैं और फाइनल बैग्स तो अविनाश जैसे कि मैंने आपको बोला वो लेके गया है। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और लेने की जरूरत है अब तो मैं बंद कर देती हूँ दरवाजा। सब ठीक है ये भी ठीक है। अभी मिलती हूँ दोस्तों। कौन है? हाँ एक सेकंड दीदी क्या हुआ? मास्क तो भूल ही गई। मास्क ले लो गंदा रोने की जरूरत नहीं है कोई नहीं रोएगा इस घर में। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली हम लोग अलीबाग जा क्यों रहे हैं। मेरी फ्रेंड की शादी है ऑब्वियसली उसका ब्लॉग मैं नहीं करूंगी बिल्कुल नहीं करूंगी बिकॉज ये उनका पर्सनल मामला है। पर्सनल शादी होती है सब लोगों को अपनी स्पेस चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि बच्चे जा रहे हैं सारे तो ऑब्वियसली उनके साथ तो ब्लॉगिंग बनती है और वैसे भी अगर जाते तो हम लोग तो ब्लॉग बनाते बनाते। बट दो दिन के लिए आई कांट कीप माय बच्चास हियर। मैं दो दिन के लिए ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। जब आप लेके जा सकते हो एज इन कई बार होता है कितनी बार होता है कि आप नहीं लेके जा सकते। अच्छा मैं ज्यादा बोल गई क्या? सब कुछ लॉक करके जल्दी व्लॉगिंग करने। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं कपड़े ना पहनूं। कपड़े कौन से लेके आए? अरे कुछ चीजें और चाहिए ना जरूरत की। नहीं तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं खत्म होती ना इस आदमी की। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या बोल रही थी मैं। इसने वो भी बुलवा दिया। तो मतलब कई बार होता है ना कि आप नहीं मतलब बच्चों को लेके जा पाते हो तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे मेरे बच्चे जा सकते हैं वहाँ तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं उनके बिना चली जाऊँ। सो आई एम टेकिंग ऑल माई चिद्दे फिद्दे अलोंग। वो सबसे ज्यादा क्यूट ये चिद्दी बनी हुई है सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। कोको भी एक्साइटेड है लेकिन ये बहुत गंदे रोने रो रही है। हो गया? अरे बेबी कॉफी भी पिकअप करनी है तुम्हें से कॉफी ही नहीं मिली है। दीदी कहाँ है? दीदी तो नीचे है। हाँ वो तो नीचे उतरी थी ना। ऊपर नहीं आई? नहीं वो आई थी कुछ और सामान लेके गई है तुम्हारा बैग लेके। वो ब्राउन कलर वाला क्यों ले दी मेरा बैग और क्यों ले दिया? मैंने दे दिया। मैंने कहा लेके जाओ भैया नीचे। लैपटॉप बैग है बेबी वो मेरे अलावा कोई नहीं कैरी करेगा। तो बेबी तुम्हें बोलना चाहिए था ना मैं तो आसान करने के लिए काम किया था। अपना बैग क्यों नहीं दिया आसान करने के लिए? अपना बैग सिर्फ यही रह गया था क्योंकि इसमें चाबियां हैं घर की। वो नीचे रिसेप्शन पे छोड़ाएंगे अभी उन्होंने सारा सामान रिसेप्शन पे छोड़ दिया। ये तुम मेरे साथ मतलब घूमने के मूड में हो या लड़ाई के मूड में हो? फिर मैं आई डोंट लाइक इट आई डोंट अप्रिशिएट दिस बिहेवियर। कुछ हो रहा है लिफ्ट में शायद वही आ रही है। चलो कोई कोई अगर रोया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये याद रखना। अभी बोला था ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी बोली है मैंने ये बात ये याद रखना चाहिए। मतलब किस बात क्या तेरे को यहाँ पे छोड़ नहीं नहीं यहाँ पे तेरे को छोड़ जा रहे हो किस लिए लड़ रही है कौन सी बदतमीजी है यही सिखाया मैंने तेरे को यही सिखाया बचपन से यही प्यार दिया था तेरे को दुनिया को दिखाती है कि तेरे को प्यार नहीं मिलता घर में। चलो बेबी देख लो कैसे जा रहे हैं एक के ऊपर एक चढ़ के। पकड़ लूं मैं इसको छोटी को? नहीं पकड़ लूंगा नहीं पकड़ लूंगा मैं छोटी को ले लूंगी। कैंडी का ध्यान रखो। कोको चेरी को सुस्त ला रही है इसको पकड़ो छिटान को और कैंडी को भी अंदर करो। दीदी कैंडी को उठाओ तुम बाकी सारी चीज चालू रखो गाड़ी की मैं आ रही हूँ। दीदी आप भी बैठो उस तरफ से। कोको का कंबल नीचे लगा दिया जिसपे बैठता है वो। आप उस तरफ से बैठो मेरा बैग कहाँ रखा है? ठीक है। कैंडू मम्मा आ रही है अभी घुमा रही है ना कोको चेरी को। अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरी छुंची थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है अब रोती नहीं है ऐसे। रोती तो है मतलब घबराती नहीं है। चेन कैसे निकल गई? दीदी पकड़ने इसको जरा। क्या हो गया? चेन टूट गई चेरी की। तो उसकी इसको लगा दो। और कोई चेन है घर में? चेन कैसे टूट गई यार? टूटी गई कुछ करते हैं बाद में करते हैं इसको पहले लगाओ चेन लगाओ। चलो उधर को चलो। आप दोनों आराम से बैठोगी बच्चियाँ ठीक है कोई बदतमीजी नहीं करनी है। बैठू मैं बिल्कुल पास में। मेरे पास दो दीदी के पैर के पास दे दो बैग। मैं अभी फिलहाल के लिए कॉफी वॉफी लेंगे ना। अच्छा।
बस बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए किसी की भी मुझे। दीदी चुनचुन गिरेगी देखना जरा एकदम मैच पे एकदम तीनों। अभी थोड़ा सा वो बौखलाए हुए हैं दीदी, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो भाई बेटा घूमने जा रहे हैं, घूमने। तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिल रही है जो रो रहे हो? कौन कूदा है? छोटी छोटी है, छोटी ऊपर सीट के नीचे आजा। नहीं नहीं अरे उधर सब एक से एक है, मतलब नहले पे दे ले सब सीट के नीचे से बुला रहे। तुम ये पकड़ोगी चुनची? नहीं ये आ गई, ये रही चुनची, ये रही चुनची, सीट के नीचे से निकल आई। हाँ ये लो पकड़ो चुनचा। आंधी आ जाए तूफान आ जाए साथ में कितने ही कुत्ते तंग कर रहे हो, मेरी बेबी रास्ते में उतर के कॉफी तो लेगी। कोई चिल्लाएगा नहीं। अभी क्या बोला मम्मी ने, कोई चिल्लाएगा नहीं है? अरे कॉफी तो तुम्हारे आने से पहले पहुंच गई। हाँ वो उन्होंने पहुंचा दी। कोई बदतमीजी नहीं करेगा। क्या लेके आई हो? वाले क्रोसॉन लेके आई हूं। कितना ठंड हुई है ये गाड़ी। बेटू बेटू अभी पहुंचे नहीं है डेस्टिनेशन। आइए क्या हो गया डेस्टिनेशन बेटा? उतार दो बेबी, उतार दो। अभी बहुत ठंड है बेबी, उसको पहले ठहरने दो। गाड़ी में बहुत तुमने इतनी जल्दी की हुई है ना पापा ने गाड़ी भी, तो चले मैं फोन करूँ। मैं फोन कर लो और इसको कैंडी के पास फेंक दो। हम लोग पहुंच गए टाउन, मतलब बेसिकली सबर्ब्स में से अपने एरिया में से हम लोग निकल आए हैं टाउन, ठीक है। तो टाउन पहुंचने के बाद अब हमारा ऑलमोस्ट सफर जो है वो पहुंचने वाले ही, मतलब अलीबाग नहीं जेट्टी तक, मतलब उस बोट में फिर हम लोग अलीबाग जाएंगे। ये पहला हमारा भी एक्सपीरियंस है तो मुझे भी इतना पता नहीं है, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे ही आपको बताते जाएंगे। अभी कितना दूर रहेगा बेबी? अभी यहाँ से मैप में बता रहा है 20 मिनट। जब 20 मिनट्स बता रहा है तो इतनी जल्दी मुझे लोगों को बताने क्यों कहा है? मतलब जब 20 मिनट्स बता रहा है तो लोगों को पहले से क्यों बताना चाह रहे हो? अरे उधर माँ ने बेटी को काटना शुरू कर दिया और तुमने मुझे। बेटी भी माँ को काटती है बेबी, बहुत गंदी आवाजें आ रही है पीछे से, दांत में दांत फंसा के लड़ रही हैं ये लोग। देखना जरा ऐसे लेफ्ट लेना, ये हम लोग आ गए महालक्ष्मी। ओ ये तो इजी था, ये महालक्ष्मी है क्या? मेरे को पहले बताया होता बिना मैप के पहुंचा देती। मैं मंदिर महालक्ष्मी पहुंचना था, असली महालक्ष्मी जी के पास नहीं। तुझे यहाँ से बता रहा 5 मिनट लेकिन हम लोग पता नहीं ब्रह्मांड के कौन से कोने में आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही अनोखी जगह है ये, कभी देखी ना सुनी। मैंने ना कभी देखी है ये। देखो यहाँ से एकदम लग रहा है शिमला स्टेशन है ऊपर, पता है? पता ये हाँ यार, ये तो मैंने कभी मुंबई में इस रोड पे कभी नहीं आई। मैं इतने सालों से मुंबई रह रही हूँ, मैंने ये कभी नहीं देखा। ये ब्रह्मांड का कौन सा कोना है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट मजगांव तो मैं आई हूँ। मजगांव तो मैं बहुत बार आई हूँ। दो है क्या? मुझे क्या पता, यहाँ से 4 मिनट बता रहा है अभी तो। अपन पहुँचेगा? पहुँचेगा तू? पहुँचेगा ना, अपन 4 मिनट बोल रहे ना, अपन 2 मिनट में पहुँचेगा। लेकिन रुकना भाई, ये ना पृथ्वी है, इधर सिग्नल रहता है, रुकना पड़ता है। सुनना भाई, यहीं से कट लिया था, हम जाना था ना इधर, आयला था हम लोग, तोरा मैप ने गलत बताया दिल। भोजपुरी मुंबई के साथ भोजपुरी, तुझा मैप मराठी, तुझा मैप चाहो यार। 1 मिनट एक्सीलेटर से पैर हटा लो। एक्सीलेटर से हटा लिया तो गाड़ी तो चल पड़ेगी। नहीं मतलब ब्रेक पे, मतलब वही ब्रेक पे रहने। आदमी को यही नहीं पता कौन है ये। बेटा हमारे कुत्ते कुत्ते नहीं है, वो कमीने भी है, मत कर। अब चेरी का ना वो शुरू हो रहा है। ऐसे राइट लेना सिग्नल खुलने के बाद। ये पृथ्वी है मैडम, यहाँ जब बत्ती हरी हो जाती है तो चलती गाड़ी। ओ वेलकम टू ईस्टर्न वाटर फ्रंट। दोस्तों आप लोगों को पता नहीं, संभावना ने बताया नहीं बताया, हम लोग जा रहे हैं एक वेडिंग अटेंड करने अलीबाग में, तो 2 दिन वहाँ रुकेंगे, तीसरे दिन आएंगे। ये हम हुए एंटर दोस्तों। ये देख लो, अगर आपको जाना है अलीबाग तो ऐसे एंट्री लेनी है। कहाँ से लेनी है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे हमने किया है। 1.5 घंटा और बात करने के बाद हमने फाइंड आउट कर लिया। बेबी इधर कैफे भी है, बेव्यू कैफे। कैफे तो बता ही रहा है। मेरे को लग रहा है गोवा के लिए क्रूज भी यहीं से जाता है, तो अपन गोवा भी क्रूज पे भी जा सकते हैं। चलो बस बस नहीं, मैं अकेले जाऊंगा ना, तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा मैं। तो तुम तो अकेले, तो तुम बस में भी निकल जाओ। नहीं मैं इसमें जाऊंगा क्रूज में। तुम्हें बस में मजा आता है ना? बस में तो मुझे बहुत मजा आता है, स्लीपर बस में। तू आ गई बेबी, कितना सुंदर लग रहा है देखो।
कहाँ से जाना है अपने को? सुपर्ब लाउंज प्रायोरिटी चेक इन लेन। ये हमारा प्रायोरिटी क्यों नहीं है? है ना प्रायोरिटी, बुला तो रहा है। प्रायर बुला रहा है क्या? उसको बोला अच्छा वाला दे हमें। अच्छा लग रहा है सामने देख के, मजा आ रहा है। तो जी हम लोग यहाँ वेटिंग में खड़े हो गए हैं, अभी थोड़ी देर में जब जेट्टी आएगी तब चलेगी। इसको अंदर रहने दो ना, चुनचुन को नहाने दो ना, अंदर रहने दो बेबी। बेबी कोको को भी निकालना मुझे, दीदी को अंदर रहने दो चुनचुन के साथ, कोको को मैं निकाल लेता हूँ। चुनचुन करेगी बेबी, थोड़ा उधर चलते हैं, फिर इधर तो गाड़ियाँ रहती हैं। कोको को बाद में उतार लेंगे ना, सबको एक साथ भी तो जरूरी नहीं है ना। तो फिर तुम चेरी को पकड़ो। उल्टा चेन किसने लगा दिया इसको? तो जी चुनचुन कैंडी और चेरी को एक जेट्टी में जाने से पहले फाइनल सुसु पॉटी करा दिया है। संभावना अभी कोको को लेके गई है, तब तक मुझे लग रहा है सामने आ भी गई है, इसमें से गाड़ियाँ निकल रही हैं क्योंकि हमें इसी में जाना होगा। रोना नहीं है, रोना नहीं है। ये चले हम फेरी के अंदर, ये बगल में रहा पानी, लेकिन बहुत डिसिप्लिन तरीके से किया। हाँ हाँ, अब जब उधर हम उतरेंगे ना तो ये नहीं खोलेगा, वो खुलेगा, तो जो गाड़ी पहले घुसी वो पहले निकलेगी, ऐसा होगा। वो लगवाएंगे हम अपनी मर्जी से, थोड़ी लगा सकते हैं, बुला रहे हैं ना। अब हम लोग निकल सकते हैं ना गाड़ी से, हमें इनसे पूछना भी है कि डॉग्स का एरिया कौन सा है, तो हम लोग पूछ लेंगे ना। वॉशरूम से आ रही है, तुम क्या क्या पता करके आई है? आ गई मम्मी, आ गई बेबी। हाँ मैं ऊपर वॉशरूम में आई हूँ। हाँ ऊपर का कैफे इतना जबरदस्त है कि तुम देख के हैरान हो जाओगे। अब हमें जाके सब पता करना चाहिए, पहले मैं एक बार डॉग का एरिया देख लूँ कि वो बैठने लायक है वहाँ पे या इनको गाड़ी में ही रखना चाहिए। ठीक है देख के, डॉगी का एरिया देख के आती हूँ चुनचा के साथ। ठीक है जाओ। एक प्रॉब्लम है बेबी। क्या? जो डॉग्स का एरिया है ना। हाँ। वो सेफ नहीं है, मतलब हम कहें कि दीदी के साथ इनको छोड़ सकते हैं तो हम नहीं छोड़ सकते, मतलब सीधा ही पानी में जाएंगे, ऐसा वाला एरिया किसी के लिए भी, तो इनको गाड़ी में ही बिठाना ठीक है। और हम दोनों ऊपर होके आए हैं, और हम दोनों ऊपर होके आए हैं, लेकिन इन दैट केस गाड़ी के शीशे खुले रहने चाहिए। अच्छा। क्योंकि थोड़े थोड़े आधे आधे क्योंकि गाड़ी बंद होगी, गाड़ी ऑन नहीं रख सकते आप। हाँ वो तो पता है। तो हम दोनों होके आते हैं, दीदी के लिए कुछ खाने के लिए ले आते हैं। दीदी आप बच्चों का ध्यान रखना है ना, हम लोग ऊपर से कुछ खाने वाने के लिए आपके लिए लाते हैं, चाय वाय लेके आते हैं, और आप बच्चों का ध्यान रखो ठीक है, और खासकर इस चुटकी का ठीक है। सीट के नीचे गुजारी हो लाओ। अब दीदी अपने आप पकड़ के रखोगे।